Good morning, everyone. Today we are going to start with a very important topic, that is water and its treatment. Okay, so in water and its treatment, we'll start with hardness. What is hardness of water? Hardness. First of all, what is hardness? Hardness is when water do not produce lather with soap. ठीक है, पानी जब झाग नहीं बनाएगा साबुन के साथ, तो उस पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं. और ये जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर डू नॉट प्रोड्यूस, इट विल नॉट प्रोड्यूस लेदर. लेदर LATHER मीन्स झाग. लेदर विथ सोप, सोप के साथ जब पानी लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर. अब हार्डनेस जो होती है आपकी, वो दो टाइप की होती है बेसिकली. एक होता है टेम्प्रेरी हार्डनेस, दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस. तो देखिए, दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं. टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है आपको, टेम्प्रेरी है ये. टेम्प्रेरी मीन्स इट रिमूव्स बाय बॉइलिंग. ये टेम्प्रेरी होती है नेचर में, जो कि इजीली रिमूव हो जाती है. आप पानी को हाफ एन आवर के लिए बॉईल कर दीजिए, तो उसमें से क्या होगा, आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी. ये टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है. परमानेंट बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती. इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली बाय बॉइलिंग. आप इसको इजीली बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली बाय बॉइलिंग. अब टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है. पहली चीज़ तो आपकी हार्डनेस होती किस वजह से है? हार्डनेस होती है कि हार्डनेस होती है जब पानी के अंदर आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हो. हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो पानी आपने पढ़ा था ना, साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा. भाई क्यों नहीं बनाएगा? कुछ पानी बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, ऐसी क्या बात है? तो क्यों नहीं बनाता? इफ वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, तो वो पानी लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस होती है पानी के अंदर. अब आपने कहा कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है. तो टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव क्यों हो जाती है? क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है. अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं आपके HCO3 नेगेटिव आयंस. ठीक है, ये होते हैं बाइकार्बोनेट. अब आप कह रहे हो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से है, तो बाइकार्बोनेट पे कितना है? -1 चार्ज है. कैल्शियम और मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 12. एटॉमिक नंबर 12 है, 282 कॉन्फिग्रेशन. ये स्टेबल ऑक्टेट होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 छोड़ देगा. 2 छोड़ना आसान है, तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है? +2 चार्ज आता है. कौन से आयन बनाता है मैग्नीशियम? +2 आयन बनाता है. अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और बाइकार्बोनेट पे -1 है. बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए. तो मैग्नीशियम को अगर बाइकार्बोनेट से ज्वाइन करोगे, तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा? ट्वाइस लेना पड़ेगा, MgHCO3 ट्वाइस. दिस इज नोन एज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, इसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस. अब आप कह रहे हो कि इसे आधे घंटे बॉयल कर दोगे तो रिमूव हो जाएगी. आपने चलो जी इसे बॉयल किया. जब आपने इसे बॉयल किया तो क्या होगा? इससे मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं. वो प्रेसिपिटेट बन गए, साथ में एच कितने हैं आपके पास? 2, एच 2, और ऑक्सीजन कितनी थी? 3 × 2 6,
थ्री आपने यहाँ यूज कर ली, थ्री आपके पास बची हुई है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, वाटर 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 में मिक्स हो जाएगा और CO2 जो कि गैस है इवोल्व हो जाएगी। तो जब आप उसे हीट करते हो, आपका जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो इसलिए हार्डनेस रिमूव हो जाती है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से, कार्बोनेट्स की वजह से, क्लोराइड्स की वजह से, जो कि इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे बॉइलिंग से। देखिए, अगर कैल्शियम सल्फेट में लेती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड में लेती हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट लेती हूँ MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड लेती हूँ, इनकी वजह से क्या है आपकी, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस है जो कि सिंपल बॉइलिंग से नहीं रिमूव हो पाती है। ठीक है, तो पहली चीज हार्डनेस क्या होती है कि पानी जब साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, तो वो हार्डनेस होती है। दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस नहीं होती है। क्यों हो जाती है टेम्परेरी हार्डनेस? क्योंकि वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से होती है। बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स को जब आप हीट करते हो तो वो कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए रिमूव हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट क्लोराइड की वजह से होती है, जो कि इजीली रिमूव नहीं हो पाती बॉइलिंग से। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एल्कलाइन हार्डनेस, व्हाट इज नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। एक ये भी छोटा सा 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज एल्कलाइन हार्डनेस, व्हाट इज नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। एल्कलाइन हार्डनेस और नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। देखिए, अगर आपका पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। हाइड्रोक्साइड मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो आपकी एल्कलाइन हार्डनेस होगी, क्योंकि ये जो आयंस होते हैं ये एल्कलिनिटी को इंक्रीज करते हैं वाटर सैंपल के अंदर। और नॉन एल्कलाइन हार्डनेस आपकी क्या होगी? नॉन एल्कलाइन हार्डनेस, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस में हम टोटल हार्डनेस में से आप एल्कलाइन हार्डनेस को सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो बचेगी वो आपकी बचेगी नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। ठीक है, टोटल हार्डनेस में से एल्कलाइन हार्डनेस को आप सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो आपकी बचेगी वो नॉन एल्कलाइन हार्डनेस बचेगी। अब इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक कर लीजिए आप कि अभी आपने फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा था कि साबुन के साथ हार्ड वाटर लेदर नहीं प्रोड्यूस करता। क्यों नहीं प्रोड्यूस करता? उसका कोई रीजन तो होगा ना, कॉज ऑफ हार्डनेस, कॉज ऑफ हार्डनेस। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोप क्या होते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसी भी हायर फैटी एसिड के, जैसे आपने पामिटिक एसिड ले लिया, ऑलिक एसिड ले लिया, उसमें क्या है आपका एसिड है C15H31COOH। ठीक है, ये आपका हो गया पामिटिक एसिड। अब क्या है सोप? अगर आप इसका बना रही हैं तो सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ये एसिड था,
इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो बाय सोडियम या पोटेशियम, C15H31COONA, तो ये क्या बन गया, आपका सोप बन गया और इसका नाम हो गया सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है जी। तो हायर फैटी एसिड है ये, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इसमें हमने सोडियम लिया तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड है, ये सोप है जिसको हम नाम दे रहे हैं सोडियम पाल्मिटेट। अब क्या किया आपने, पानी लिया, पानी में हार्डनेस थी, हार्डनेस किसकी वजह से थी, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से थी। अब आपने उसको जो है हार्ड वाटर में ये सोप डाल दिया, सोप डाला C15H31COONA, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, ये सोडियम को रिप्लेस कर देता है। अब सोडियम पे चार्ज होता है +1, कैल्शियम पे है +2, तो फिर जब रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है तो आप क्या लेंगे, C15H31COO, यहाँ पे ट्वाइस लेके तो कैल्शियम जुड़ेगा क्योंकि इस पे +2 चार्ज था, इस पे +1 था, ठीक है। इस पे अगर +1 था तो इसका मतलब ये जो पूरा COO तक है एनायन जो है उस पे -1 चार्ज है। तो ये ज़्यादा डीप केमिस्ट्री है, बस आपने इतना देखना है कि सोडियम को रिप्लेस जो कर रहा है वो कैल्शियम कर रहा है। तो ये जो बना ये क्या बनता है, ये बनता है स्कम, जो कि नीचे बकेट में जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। अब भाई आपका जो सोप था वो कन्वर्ट होता जा रहा है स्कम में, जैसे जैसे आप उसमें हार्ड वाटर डाल रहे हो, जब सोप स्कम में कन्वर्ट हो गया तो झाग कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तो इसलिए जो है हार्ड वाटर लेदर नहीं प्रोड्यूस करता। कब तक नहीं करेगा, कब मतलब क्या पूरी जिंदगी नहीं करेगा, कभी तो करेगा ना, कब तक नहीं करेगा। आपके जो स्कम बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, कि सोप के अंदर जो सोडियम है उसको कैल्शियम रिप्लेस करता जा रहा है। तो मान लो आपके हार्ड वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम है, 200 ग्राम कैल्शियम है, जितना भी कैल्शियम है वो आप सोप डालते जाओ, उसके साथ रिएक्ट करके स्कम में कन्वर्ट होता जाएगा होता जाएगा। एक चीज तो ऐसी आएगी ना, जब जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम है वो सारा का सारा यूजअप हो जाएगा स्कम बनाने में। जब वो सारा का सारा स्कम बनाने में यूजअप हो गया तो उसके बाद पानी में जब कैल्शियम मैग्नीशियम बचा ही नहीं, तो जब आप उस पानी में सोप डालोगे ना तो वो लेदर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो सोप है वो स्कम में कन्वर्ट होता है, इसलिए कभी भी हार्ड वाटर जो है वो लेदर नहीं प्रोड्यूस कर पाता। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आए यू कैन टेक्स्ट मी बैक। हैव अ वेरी गुड डे एंड स्टे सेफ।